ये बीमारी का क्या लक्षण है? मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से में भीषण दर्द होती है जो कि पीठ की तरफ भागती है। मरीज को गैस के दवा से अगर दर्द में आराम नहीं मिलता है तो ये पैनक्रियाटाइटिस होने के एक चांसेस हो सकते हैं। ये बीमारी में मरीज को उल्टी आना, पेट फूल जाना, सांस में दिक्कत आना, बुखार आना और पेशाब कम होना, ये सब दिक्कतें उसके साथ आ सकती हैं। जो भी लोग शराब का सेवन करते हैं अधिक मात्रा में, उनका पैनक्रियाटाइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा पीत में पथरी रहने से भी पैनक्रियाटाइटिस के चांसेस होती है। अगर शरीर में ट्राइग्लिसराइड की लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, मेनली 500 से ऊपर, वो भी पैनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ा देती है। उसके अलावा कई सारे दवा हैं जिसमें दर्द की दवा NSAID है जो कि पैनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ाते हैं। अगर कोई भी मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से में भीषण दर्द हो रहा है जो कि पीट की तरफ भाग रही है और उसको आराम नहीं मिल रहा है तो उसको अपने निकटवर्ती गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए। इस बीमारी के डायग्नोसिस में हम लोग एक ब्लड से एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है सेरम लाइपेज। अगर सेरम लाइपेज 3 गुना से ज़्यादा आती है और उसके साथ पेट के ऊपरी हिस्से में मरीज को भीषण दर्द रहती है जो कि पीठ की तरफ भागती है, उसके साथ अगर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में सूजन दिखाती है तो ये कंफर्म करती है कि पेशेंट को पैनक्रियाटाइटिस है। पैनक्रियाटाइटिस के उपचार मेनली मेडिकल है, दवा से किया जाता है। उसमें सबसे प्रमुख चीज़ है मरीज को अल्कोहल ना लेने की हिदायत दी जाती है। उसके अलावा जो भी मरीज को बुखार आ रहा है, पेट में तीव्र पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, उनको हम लोग भर्ती की एडवाइस करते हैं। भर्ती करके पेशेंट्स को हम लोग IV फ्लूइड्स और बहुत सारे और भी दवा हैं जिससे इलाज करते हैं। अगर किसी मरीज को पीत की थैली में पथरी है तो उनको हम लोग डिस्चार्ज के बाद गॉल ब्लडर का ऑपरेशन की एडवाइस देते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको ये सब सिम्टम्स अगर होते हैं तो उनको अपने निकटवर्ती या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए क्योंकि पैनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस इनमें रहते हैं।